कोयला पकड़ा गया है काफ़ी भारी मात्रा में, तो क्या ये केवल रैकेट था या कोई अभियान के तहत जिस तरह से पकड़ा गया? देखिए, हम लोग के पास एक इनपुट मिला था कि जो कोलियरी से कोयले सप्लाई किए जाते हैं उसमें रिकॉर्ड में हेराफेरी करके ट्रक संचालकों द्वारा उसको डेस्टिनेशन के बजाय बनारस या अन्य मंडियों में बेच दिया जाता है, और इस सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उसमें जांच की गई तो कुल 23 वाहन पकड़े गए हैं जिसपे कोयला लदा हुआ था, और उसमें जो कुछ वाहन हैं जिसमें कि जो अभिलेख मिले हैं वो कूट रचित हैं, जो अभिलेख वहाँ से ईवे मिला है उनको कोलियरी से उसको उन्होंने खलत मलत कर दिया था और उसके स्थान पे हाथ से लिखा हुआ अभिलेख बना करके रखा हुआ था, और उसमें 19 लोग गिरफ्तार हुए हैं जो ज़्यादातर ड्राइवर हैं उसमें, और इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके और कार्रवाई की गई है। और ये पूरे प्रकरण में हमारे जो 4 थाने हैं उन पे अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, और इसमें हम लोग एक विशेष जांच दल का गठन करके और विवेचना में एकरूपता रहे इसके लिए एक समेकित कार्रवाई करेंगे, और इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि और कौन लोग ऐसे हैं जो बिग फिश हैं इसके पीछे जिनका रोल है और जो इस अवैध धंधे को संचालित करते हैं, तो उनको भी इस विवेचना में शामिल करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो कोल माफिया अगर ये हैं और एनसीएल के कर्मचारी दोनों लोग के मिली बगैर शॉर्टकट से इस तरह से सब विवेचना का विषय है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि किसकी क्या संलिप्तता है और किसकी क्या जिम्मेदारी फिक्स होती है, और इसमें जाँच हम लोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस का दाखिल करेंगे। जिस तरह से मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले सर पकड़ा गया था, तो उसी के क्रम में मतलब इसके तार और अन्य प्रदेशों से भी जुड़े? देखिए, ये चूंकि हमारी जो कोलियरी है वो तो बॉर्डर पे है, और जो उसमें जो इनपुट थी कि जो कोयला यहाँ से सप्लाई हो रहा था वो मध्य प्रदेश के लिए सप्लाई हो रहा था, तो वो अभिलेख अभी मुझे एनसीएल से प्राप्त नहीं हुए हैं, वो प्राप्त होना है। जो अभिलेख मुझे प्राप्त हुए हैं अभी तक वो जो है हाथ से बनाए हुए अभिलेख हैं, और उसमें डेस्टिनेशन जो है वो उत्तर प्रदेश के ही वाराणसी स्थित मंडी का है, तो इसको हम लोग देख रहे हैं, और इसमें और जैसे जैसे हमारे पास जानकारी इकट्ठी होगी उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है।